नमस्कार बच्चों, क्लास 12 की बायोलॉजी क्लास शुरू कर रहे हैं हम। आप लोग अपनी पढ़ाई घर पर ही शुरू करें। जैसे आप जान रहे हैं कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है और आपकी पढ़ाई भी जो है बंद है स्कूल में, इसके लिए जो है डीएवी दुगदा, मैं विजय कुमार, डीएवी दुगदा टीचर, बायो टीचर, 12 की क्लास शुरू कर रहा हूं और आप जुड़े इससे और घर में आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें। आपका जो पहला चैप्टर बायो का है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, फर्स्ट यू ट्राई टू डिफाइन द टर्म रिप्रोडक्शन। री मीन्स रिपीटेड, प्रोडक्शन मीन वर्थ, गिविंग वर्थ ऑफ, दैट मीन द रिप्रोडक्शन कंप्लीट डिफिनेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द गिविंग बर्थ ऑफ यंग वंस और ऑफ ऑफस्प्रिंग। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन्वॉल्व टू टेक द बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज द गिविंग बर्थ ऑफ द यंग वंस ऑफ ऑफस्प्रिंग। वी कैन से, हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स का ट्रू कॉपी दैट टेकिंग बर्थ। तो रिप्रोडक्शन आप पहले भी पढ़े होंगे इसके बारे में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म प्लांट में भी और एनिमल में, हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस यूनिट में रिप्रोडक्शन का फर्स्ट यूनिट जो है आपका 12 बायो का, उसमें रिप्रोडक्शन जो है चार चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, फिर आप कहेंगे रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट इज द फोर्थ चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दैट इज द प्रोड्यूसिंग द सेम काइंड टू कंटिन्यू द रेसेस और स्पीसीज, सभी अपने जाति की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं ये, और इसके लिए रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मीन्स द नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ पेरेंट, ये यूनी पेरेंट्स है, इसमें मेल और फीमेल या मदर फादर की जरूरत नहीं होती है, वन ऑफ द पेरेंट इज रिक्वायर्ड। प्लांट में इसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मीन्स द नीड ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। तो हम बारी बारी से समझेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं फर्दर डिवाइड करेंगे हम टू टाइप्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन एनिमल्स में, दैट इज द फर्स्ट मेथड इज द फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, दैट इज द ब्रेकिंग इन टू टू और मोर पार्ट्स। वेन द ऑर्गेनिज्म ब्रेक इन टू टू पार्ट्स, दैट इज द टू डॉटर सेल्स इज फॉर्म, टू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म, दैट इज द फ्यूजन, दैट इज दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज नाउन ए बाइनरी फ्यूजन। और अगर एक ऑर्गेनिजम्स कई पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, उसके न्यूक्लियस बहुत से पार्ट्स में बढ़ जाते हैं और सब एक एक इंडिविजुअल हो जाता है, इसको मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम के केस में, प्लाज्मोडियम द मलेरिया पैरासाइट द फॉर्मिंग सिस्ट, एक कोल सा सिस्ट बना लेता है, बच्चे ब्लैक बोर्ड काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से मैं आपको सिर्फ लेक्चर के मेथड से बता रहा हूँ। प्लाज्मोडियम
एक सिस्ट बना लेता है और सिस्ट के और प्लाज्मोडियम अपने चारों ओर एक सिस्ट बना के उसके न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डेवलप कर जाते हैं, टूट जाते हैं बहुत सारे न्यूक्लियाई, और सब न्यूक्लियाई के चारों ओर साइटोप्लाज्म जमा होकर गोल एक इंडिविजुअल बन जाते हैं। दैट मीन्स वन न्यूक्लियस डिवाइड इंटू मेनी न्यूक्लियाई, दैट ड्यू टू दैट वो बहुत सारे प्लाज्मोडियम के पैरासाइट के रूप में बन जाते हैं अलग अलग डॉट डॉट की तरह। उसके बाद एक फेवरेबल कंडीशन आने के बाद सिस्ट टूट जाते हैं और सारे स्प्रेड कर जाते हैं, सारे पैरासाइट स्प्रेड कर जाते हैं और अलग अलग वो इंडिविजुअल ग्रुप है। तो दैट इज द फीजन। फीजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ द वन न्यूक्लियस इंटू टू और मोर। तो फीजन दो टाइप के होते हैं, एक होंगे बाइनरी फीजन, दूसरा होगा मल्टीपल फीजन। ये वन ऑफ द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। दूसरा है बडिंग। तीसरा है स्पोरुलेशन, दैट मीन स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद आते हैं गैम्यूल्स, ये सारे मेथड हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो बच्चे आज जो है आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड का मैंने काउंटिंग करवाया, उसके बाद फिर आप जो है बारी बारी से एक एक करके सारे का डिस्क्रिप्शन डिटेल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक मेरे पास बोर्ड हो जाएगा और उसकी व्यवस्था मैं कर लूँगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें आप जानते हो कि वेजिटेटिव मतलब जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं जिसको हम लोग खाते हैं, सब्जी बोलते हैं, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, तो ये सब पार्ट्स से भी नए पर प्लांट ग्रो करते हैं। तो आपने डिफरेंट केसेस में जैसे स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद कहते हैं, तो वो एक तरह का रूट है जिसको हम लोग खाते हैं और उसी से प्लांट भी जन्म लेता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाई रूट। आप लीफ में देखेंगे तो ब्रायोफाइलम में, तो ब्रायोफाइलम के लीफ के मार्जिन, ब्रायोफाइलम जो है एक लीफ, ब्रायोफाइलम का लीफ देखेंगे तो उसके लीफ के मार्जिन में छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं और वो प्लांट्स को अलग करके अगर जमीन में गिर जाते हैं या अलग कर देते हैं तो फिर उससे बड़ा प्लांट ब्रायोफाइलम का निकलता है। इसे कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू लीफ, फिर स्टेम। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी दो पार्ट्स में बांटते हैं कि एक तो नेचुरल होता है, जैसे आपको स्टेम के थ्रू जाएंगे तो रोज प्लांट लीजिए, रोज का अगर हम प्लांट का डंठल या तो उसका स्टेम पार्ट को कट करके जमीन में डाल दें और उसको सींचते रहें तो कुछ दिन में उससे भी रोज प्लांट निकल जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टू टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो होते हैं जिसको हम कहते हैं कि गार्डनिंग टाइप के, जो नर्सरी में करते हैं कि उससे छोटे छोटे उसके पार्ट्स से, प्लांट के पार्ट्स से बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो दैट इज द रिप्रोडक्शन को आए एसेक्सुअल तक मैंने आपको ब्रीफ जानकारी दिया। आप साइंस की कॉपी बना लेंगे, लैब कॉपी बना लेंगे, होमवर्क कॉपी बना लेंगे और छोटा छोटा नोट्स बनाते रहेंगे और घर के अंदर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। आपसे यही आग्रह है और मेरा व्हाट्सएप से या मेरे लिंक से आप जुड़ें और सीखते रहें और दूसरे को सिखाते भी रहें और आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी आप इन्फॉर्म करें। धन्यवाद।